Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे ना आने दूं मैं करीब मेरे हमदम तेरी कसम अरे वाह क्या तरीके बताए जा रहे हैं बगावत के आप गलत समझ रही हैं वो एनी तो मुझे कोई है रिश्ता खानदान में है लड़का है और इसी खानदान में है शाहिद देखो जिस तरह से तुम इस घर की बहू हो वैसे ही एनी भी इस घर की बहू है जितनी इज्जत जितना हक तुम्हारा है उतना उसका भी अच्छा हो गया ना अनमोल मेरी सौतन बनने जा रही हूँ मुझे समझने की कोशिश की मैं एक ही बार गुबार क्यों नहीं निकाल लेती क्यों मुझे बार बार परेशान करने आ जाती हो मेरी मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आती हो ना हाँ देखो एनी ना तो मैं आज तुम्हें परेशान करने आई हूं और ना देखने आई हूं वक्त ने आज हम दोनों को जहां लाकर खड़ा बेहतरी इसी में है कि तुम मुझसे हाथ मिला लो समझने की कोशिश करो एनी शाहिद की तीसरी शादी का मसला अब ना तुम्हारा रहा है ना मेरा शाहिद तुम्हारा शौहर भी है और मेरा भी इससे पहले कि वो हम दोनों का ना रहे तुम्हें मेरा साथ देना होगा फिर ये शादी भाभी सकीना इस शादी को रोकने की कोशिश करें वरना तो बर्बादी हो जाएगी बर्बादी खानदान वाले अलग हम सब पर उंगलियां उठाएंगे कि बेटे की तीन शादी और वैसे भी भाई साहब ने अपने मुंह से खुद मुझे वापस घर जाने के लिए भी कह दिया है मेरे जाने के बाद भाई साहब भी तो अकेले हो जाएंगे और वैसे भी शाहिद तीन फंसकर रह जाएगा आपको तो पता है और तो मुझे कभी इसका हक ही नहीं होता तेरी आपका घर घर नहीं होगा जहन्नुम बन जाएगा जहन्नुम हाँ रुखसार बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है लेकिन तुम अपने भाई साहब की तबीयत से भी तो अच्छी तरह वाकुफ हो वो जब भी कोई फैसला करते हैं वो किसी से राय नहीं लेती ठीक है मैं उनकी बीवी जरूर हूं लेकिन उन्होंने कभी भी फैसला करते वक्त मेरा मशवरा नहीं लिया भाभी आप कोशिश तो कर सकती हैं ना आप कोशिश करें भाई साहब खुद ही अपने मुंह से इस रिश्ते से इनकार कर दो कोशिश करें ठीक है मैं कोशिश करूंगी आगे अल्लाह की जो मर्जी मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं है नहीं तुम्हारे पास सिवाय मुझ पर यकीन करने के और कोई ऑप्शन है ही नहीं और अगर तुम तीसरी सौतन बर्दाश्त कर सकती हो तो ठीक है फिर मैं चली जाती हूं रुको
मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ ठीक है ठीक है, बस मुझे शिकायत ना मिले। ओके, आपने मुझे बुलाया। बैठो सकीना। जी सकीना, तुम क्या समझती हो? जो मैंने फैसला किया है वो ठीक है? मैं आपके फैसलों के बीच में बोलने वाली कौन हूँ? और ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके इस फैसले से सिर्फ निगारी खुश होगी। मैं नहीं चाहता कि फिर से इस घर में बगावत खड़ी हो जाए। मैं सबको अपना फैसला सुनाना चाहता हूँ। जैसा आपका हो। तो फिर ऐसा करो, रशीदा से कह दो कि वो सबको बता दे आज रात का खाना हम इकट्ठे खाएंगे। आज तुम सब लोगों को साथ बुलाने का कोई मकसद है। शायद इस बात का किसी को इल्म ना हो, तुम्हारे अब्बा जी बहुत ही परेशान हैं। आजकल जो उस घर कमाए ना, उससे वो बहुत ही शर्मिंदा। चंद मामूली मामलात की वजह से पूरे घर का निजाम भरम भरम कर दिया। माँ बाबा जान से कहें कि सब कुछ पहले जैसा होना। आप तो सब लोग ये जानते हैं ना कि खानदान से बाहर रिश्ते करने का सोचना भी गुनाह है। और ये सब कुछ जानते हुए भी निगार ने खानदान के खाक में मिला दिया। खानदान में लड़का ना होने की वजह से अनमोल अपनी खाला की तरह कमारी नहीं रहेगी। लड़का है, अनमोल हमारी इज्जत है और किसी सूरत में हम अपनी इज्जत बाहर नहीं दे सकते। इसलिए तुम्हारे अब्बा जी ने फैसला किया कि अगले जुम्मे को अनमोल पॉसिबल है ये? एनी, एनी, बाबा जान का है मुझे उनसे बात करनी है। बेटा वो जमीनों पर चले गए, काफी दिनों से कहीं नहीं थे। मैं जानती हूं बेटा कि तुम क्या बात करना चाहते हो। अब कुछ नहीं हो सकता। तुमको अपने अब्बा जी की सिद्ध और फैसलों से वाकिफ होना, और अब आपकी शादी होकर ही रहेगी। शादी शादी शादी, आप लोगों ने शादी को समझ क्या रखा है? और कोई बात होती है क्या? मैं इस घर में सिर्फ शादियां करने के लिए रह गया हूं? तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि तुम किसके सामने खड़े हो और किस तरह किससे बात कर रहे हो। कि तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। रिश्ते तो बाकी बचा है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि मुझ पर क्या बीत रही होगी? आप तो सारी जिंदगी बीती रही हैं।
बात कभी बनी ही नहीं। लेकिन इस बार मुझे मैं ये शादी नहीं करूंगा। कह दीजिएगा उनको। खामोशी का मतलब कहीं तुमने अनमोल को सौतन के रूप में कबूल करने का मेरे इरादों को तो अब्बा जी के फैसले ने ही बदल दिया। बहुत शातिर निकली मां बेटी, क्या कमाल की चाल चली है, डायरेक्ट अब्बा जी पर हाथ डाला है। उनकी तारीफ ही करती रहोगी, इस शादी को रोकने का कोई तरीका भी सोचोगी? संभल कर बात करो मुझसे लड़की। अभी मैंने तुम्हें इतना फ्री नहीं कि मुझसे इस तरह से बात करो। तो मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे इस तरह बात करने का। हाथ बढ़ाया था और अपनी हार को ना मेरे को मत डालो, समझी? अच्छा तो मेरी हार, फिर जीत किसकी है, तुम्हारी? हाँ ये तो वक्त ही बताएगा, फिलहाल मुझे किसी पे भरोसा नहीं। मुझे तो लगता है कि शाहिद खुद भी अनमोल से शादी करना चाहता है। किसी पे भरोसा नहीं है? क्या तुम सच में अनमोल को सौतन कबूल कर लोगी? किसी सूरत नहीं, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। मुझे सोचने दो, मैं कुछ भी करके अनमोल को यहां से धक्के मार के निकलवा दूंगी। कैसे, ये कैसे मुमकिन है? है अगर शाहिद खुद इस शादी से इनकार करते और अनमोल को धक्के मार मार के इस घर से बाहर निकाल दे तो फिर ये शादी कभी नहीं हो सकती। सख्ती से पेश नहीं आओगे और खाला को इस घर से नहीं निकालोगे तो फिर सीधी तरह कहो ना कि तुम दिल ही दिल में अनमोल के साथ शादी करना चाहते हो। पूरा अपनी बकवास बंद करो। एक औरत के हक में फैसला कर दिया जाता है, लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि उस फैसले की इज्जत में दूसरी औरत का क्या होगा। तुम क्या समझ रही हो कि इस बार मैं बाबा जान का फैसला मान लूंगा? मेरे हमदम कि ये सब कुछ से कबूल कर ले, वरना हम इस खानदान की आखिरी पीढ़ी। अगर हम आपस में सब लड़ पड़े तो इस खानदान का नाम और निशान यहीं पर आकर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई साहब हमारी खुशी ही छीन ले। तुम्हारे भाई साहब जब एक बहन को खुश रख सकते हैं तो दूसरी बहन को किस जुर्म की सजा दे? और तुम यहां हो। इस वक्त घर में एक ही मसला चल रहा है और सब लोग एक ही बात को लेकर परेशान है शाहिद, और इस मसले को सिर्फ और सिर्फ तुम नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम मामा जी के सामने शादी से इनकार कर दोगे, लेकिन
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शायद, इसलिए तुम्हें कदम और उठाना होगा। तुम्हें अनमोल और खाला जी को घर से निकालना होगा, और वो भी अजी के घर मौजूद के लिए। तुम जानती हो कि तुम मुझसे क्या कह रही हो? शायद मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। देखो, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। इस वक्त खाला जी का एक ही सवाल है कि उन्हें अनमोल के साथ गांव जाने दिया जाए, पर नहीं है तो मेरे ख्याल में उन्हें जाने देना चाहिए। नहीं हूर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बाबा जान से बात करूंगा, इनकार करने के लिए हर हद तक जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो फिर ये कहो ना कि तुम अनमोल के साथ शादी कर लोगे। मेरा मतलब है कि अगर मामा जी ने तुम्हारी बात ना मानी और तुम्हें उससे शादी करनी पड़ गई तो? हूर, मैं अनमोल से शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम ये बात कैसे कह सकती हो? एक काम कर सकते हो। क्या काम? ये कि तुम्हें अनमोल के साथ जरा सख्ती के साथ पेश आना होगा, ताकि उसके दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाए तो उसे शादी नहीं करना चाहते। अगर वो फिर भी ना माने तो इस घर से उसे धक्के देके बाहर निकाल देंगे, मामला वहीं खत्म हो जाएगा। तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे कुछ सोचना। मैं ये शादी नहीं करूंगा, लेकिन लेकिन मैं अनमोल पर ये दबाव, ये जुल्म नहीं कर सकता। अच्छा, अगर तुम अनमोल के साथ सख्ती से पेश नहीं आओगे और खाला को इस घर से नहीं निकालोगे तो फिर सीधी तरह कहो ना कि तुम दिल ही दिल में अनमोल के साथ शादी करना चाहते हो। पूरा अपनी बकवास बंद करो, कमरे में जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। अनमोल, ये शादी तुम्हें करनी पड़ेगी, और ये परेशानी वक्ती है। वक्त गुजरने के साथ साथ सबको यकीन हो जाएगा, बल्कि तुम्हें खुद यकीन होगा कि तुम्हारे मामा जी का फैसला बिल्कुल ठीक था। वाह खाला वाह, क्या खेल खेला अपनी भांजी के साथ। आप मेरे साथ ऐसा करेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मामा जी, आप दोनों को यहां से जाने नहीं दे रहे, या आप दोनों का जी नहीं चाह रहा यहां से जाने को? अभी दिन ही कितने हुए थे मेरी शादी को खाला, तुम तो अभी से मेरा घर तोड़ने आ गई। ये सब कुछ तुम दोनों किसी प्लानिंग के तहत कर रही हो या कोई है? एक शाहिद है जो तुम दोनों को इस घर से निकालना नहीं चाहता, और एक तुम दोनों हो जो मेरा घर खराब करने की कोशिश कर रही हो। वैसे मानना, शाहिद को क्या मुट्ठी में कर रखा है आपने? अनमोल, जो अब मैं तुम्हारे साथ करूंगी ना, सारा खानदान देखेगा। तुम जानती नहीं हो कि हुरमानो क्या चीज है। बहुत बकवास कर ली तुमने, बहुत हो गई। इतनी देर से मैं तुम्हारी बकवास सुन रही हूं। अरे, तुमने बड़ों से बात करने की तमीज भी छोड़ दी क्या? तुम्हारी खुशी के लिए मैं अपनी बेटी की खुशियां बर्बाद नहीं कर सकती। अच्छा, अगर ऐसा ही करना था तो पहले होश कहां घूमते आपके? पहले बेटी का ख्याल नहीं आया आपको? आखिर मेरी शादी के बाद ही क्यों? अपनी बेटी की खुशी चाहिए आपको? क्या मैं किसी की बेटी नहीं? मेरा कोई हक नहीं है खुश रहने का? आप एक मरतबा मुझे प्यार से कहती हैं खाला कि हुरमानो ये शादी ना करो, तो कभी ना करती, लेकिन अब मैं अपना घर नहीं ढूंढने दूंगी, कभी नहीं हूं दूंगी। सजाओ, जो तुम्हारे जी में आता है जाके करो। चुप, अनमोल हमारी इज्जत है, और किसी सूरत में हम अपनी इज्जत बाहर नहीं दे सकते।
इसलिए तुम्हारे अब्बा जी ने फैसला किया है कि अगले जुम्मे को अनमोल और शाहिद का निकाह कर। पता नहीं किस बात का बदला ले रही है अनमोल, बहुत पक्की प्लानिंग की है। क्या करूं, कैसे कैसे निकालूं उनको घर से? पहली बार मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ रही है। मामा जी से ही बात करनी होगी। पैर पकड़ लूंगी, मिन्नत कर लूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन ये शादी नहीं दूंगी। बुआ जी, मैं आप ही के पास आ रही थी। मुझे अपने और शाहिद के बारे में आपसे एक जरूर। शाहिद और अपने बारे में क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये बुआ जी, शाहिद ने मामा जी और आपके कहने पर मुझसे शादी तो कर ली, मगर मुझे आज तक बीवी का वो मकाम नहीं दिया। और अब मामा जी और आपके फैसले पर अनमोल उसकी जिंदगी में आ रही है। जब मुझे बीवी का हक नहीं मिला तो उसे कैसे मिलेगा बुआ जी? अनमोल के साथ भी वही होगा बुआ जी जो मेरे साथ हो रहा है। मैं आपसे ये बात कभी ना करती, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। और आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि शिकायत करना मेरी फितरत में नहीं है। शाहिद ने आज तक मुझे बीवी का मकाम नहीं दिया तो वो अनमोल को कैसे हक देगा? अनमोल तो बेचारी है, मासूम है। शाहिद सिर्फ एनी से प्यार करते हैं और उन्हें ही अपनी बीवी मानते हैं। बुआ जी, एक औरत होने के नाते आप बताते हैं कि एक शौहर अपनी बीवी को उसका हक अगर ना दे सके तो उस पर क्या गुजरती है? तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? मैंने शादी से पहले ही कहा था बुआ जी कि मैं आप इस खानदान के लिए हर कुर्बानी दे सकती हूँ, लेकिन अनमोल को हरगिज़ कुर्बानी नहीं देने दूंगी। शाबाश बेटा, मेरी बेटी कितना ख्याल रखती है। मुझे फख्र है अपने फैसले पर कि मैंने तुझे अपनी बड़ी बहू का हक दिया। तुम्हारी कुर्बानियां बेकार नहीं जाएगी कुर्बानों, तुम सही कह रही। शायद अनमोल को बीवी का दर्जा नहीं देगा। मैं वादा करती हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें तुम्हारा हक देगा। बस एक बार शायद और अनमोल का निकाह हो जाने दे, फिर सबको बराबर के हुकूक मिलेंगे, तुम्हें भी और अनमोल को। मुझे फख्र है बेटा तुम पर, सब तुम फिक्र मत करो। जाओ अब शादी की तैयारी। देखो, निगार ने हमारी आंखें खोल दी। तुम्हारे मामा जी और मैं अनमोल पर कितना बड़ा जुल्म करने जा रहे थे। सारी जिंदगी बेचारी अकेले गुजारती। तुम जाओ अपने कमरे और बेफिक्र हो जाओ अनमोल के पास और शादी की तैयारी। जी बुआ जी। ऐनी, इस तरह खामोश रह के मुझे मेरी नजरों में मत गिराओ। Support, please help me out. कुछ तो बोलो, कोई बात करो। क्या बोल सकते हैं? अरे भाभी, मुझे बुला लिया होता जरूर बुला लेती, अगर मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी। इसलिए खुदा के। खैरियत है ना? खैरियत? तुमने जो किया है उसके बाद इस घर में खैरियत हो सकती?
तुम्हारी वजह से इस घर में जो कोहराम मचा हुआ है उसका अंदाजा है तुम्हें? बिल्कुल अंदाजा है, लेकिन अगर मैं ये सब कुछ न करती तो अनमोल की जिंदगी में जो कोहराम मचता उससे वाकिफ है ना। मैं तो तुम्हें समझाने की नीयत से आई कि तुम अपना फैसला वापस लो। भाभी अब ये फैसला मेरा नहीं, भाई साहब का है, और अगर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल ना होता तो मैं ये फैसला वापस लेती। सोच लो निका, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैं अपना फैसला बदल सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप भाई साहब को बनाएं, उनसे कहें कि मैं अगर अनमोल की शादी बाहर करूं तो उन्हें इतराज ना हो, रिश्ता मौजूद है, आप उनसे इजाजत दिला दें, मुझे कोई इतराज, मैं अपना फैसला वापस ले लूं। बोले चुप क्यों हो गए? बोलिए ना। नहीं, इस तरह खामोश रह के मुझे मेरी नजरों में मत गिराओ। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज हेल्प मी आउट। कुछ तो बोलो, कोई बात करो। क्या बोल सकती है शायद मैं? इस घर में औरत की इज्जत पे बात तो कर दी जाती है, लेकिन ये नहीं पूछा जाता कि वो औरत क्या चाहती है। एक औरत के हक में फैसला कर, लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि उस फैसले की इज्जत में दूसरी औरत का क्या होगा। तुम क्या समझ रही हो कि इस बार मान लूंगा? तो आपके बस में है ही क्या? हाँ, वैसे एक बात तो है शायद, मैं जिस दिन सब शादी की बातें सुन रही हूँ, जिसका दिल करता है फैसला करने का वो फैसला करता है और आपकी शादी करवा देता है। वैसे इस घर में शादी के अलावा भी कोई बहस होती है या? एक और बात, जरा अब्बा जान के लिए पता करवाइएगा कि उनकी भी एक ही शादी थी या? अनमोल नजर नहीं आ रही। अच्छा अम्मा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। क्या मैं इस घर का फर्द नहीं? जो पूछना चाह रहे हो वो बात कहो, इस तरह पहलिया मत पूछवा। अम्मा फैसला मुझसे मशवरा क्यों नहीं किया? क्या क्या मैं आपकी औलाद नहीं? ये क्या बकवास कर, जब तुमने एनी के साथ शादी की तो तुमने हमसे मशवरा किया, और तुम्हारे अब्बा जी ने जब हूर से शादी की थी तुम्हारी तो तुमसे मशवरा किया, जब तुम जानते हो कि इस घर में मशवरे नहीं लिए जाते, फैसले किए जाते हैं, फिर तुम्हें किस बात का गिला? तो बस फिर ठीक है, मैंने भी फैसला कर लिया है, चाहे आप मुझे इस घर से निकाल दें चाहे, मैं ये शादी नहीं करूंगा। शायद मियां, जब तुम्हें हमारे फैसले मंजूर नहीं है तो ठीक है,
सकीना सामान पैक करो, अब हम इस घर को छोड़कर जाएंगे। बाबा जान, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ शायद, जब तुम्हें हमारा फैसला कोई मंजूर नहीं है और इस घर में हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो फिर हम यहां से चले जाएंगे। तुम पर कोई एतराज ना करे। चलो सकीना, इस घर में अब सब लोग बड़े हो गए हैं, इसलिए हमारा यहां रहना जरूरी नहीं है।